Children, now we are in the 11th lesson, Mera Parivar. What do you mean by Parivar? Parivar means family. Mera Parivar means my family. So we are going to see the lesson about the family. See here in the picture, there is a family, two children, father, mother, grandparents. Isn't it? This is a big family. We will see the lesson. I will read it out, you will repeat it, then we will see the meaning. Yah mera ghar hai. Mera parivar bahut bada hai. Ghar mein main, meri choti behen, mere mata pita aur dada dadi kul 6 log hain. मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ. मेरी बहन दूसरी कक्षा में पढ़ती है. दोनों अच्छा पढ़ते और लिखते हैं. मेरी माँ रोज हम सबके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं. मेरे पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं. छुट्टी के दिन में हम सबको घुमाने ले जाते हैं. मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं. वे हमारे लिए खिलौने और फल खरीद कर लाते हैं. वे पढ़ाई में भी हमको मदद करते हैं. हम उनकी बात मानते हैं. मेरी दादी जी रोज पूजा करती हैं. चश्मा पहनकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं. उनके बाल सफेद हैं लेकिन स्वस्थ दिखाई देती है. हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं. हम सब मिलकर रहते हैं. हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है. नाउ शैल वी गो एंड सी द मीनिंग. Yeah. Yah mera ghar hai. That means this is my house. Mera ghar means my house. Mera parivar bahut bada hai. Mera parivar means my family. My family is a big one. Bahut bada, very big. Ghar mein main, meri choti behen, meri mata pita aur dada dadi कुल 6 लोग हैं. घर में इन माई हाउस मैं माई सेल्फ मेरी छोटी बहन माई यंगर सिस्टर मेरे माता पिता माई फादर एंड मदर मदर एंड फादर और दादा दादी ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. दादा दादी मीन्स फादर्स फादर एंड फादर्स मदर. ओके दादा दादी कुल टोटली 6 लोग हैं. There are 6 people in the family. मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ. I am studying in 5th standard. मेरी बहन दूसरी कक्षा में पढ़ती है. My sister is studying in 2nd standard. दोनों अच्छे पढ़ते और लिखते हैं. Both of us are reading and writing well. मेरी माँ रोज हम सबके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं. माई मदर डेली यूज्ड टू कुक स्वादिष्ट भोजन टेस्टियस्ट फूड. तरह तरह के दैट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पकाती है. शी इज कुकिंग. मेरे पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं. माई फादर daily goes to office.
छुट्टी के दिन में हम सबको घुमाने ले जाते हैं। ऑन द हॉलीडेज ही यूज टू टेक अस आउट। घुमाने मीन्स फॉर रोमिंग अराउंड, ही इज टेकिंग आउट। मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं। माई ग्रैंड फादर इज वेरी गुड। वे हमारे लिए खिलौने और फल खरीद कर लाते हैं। ही इज गेटिंग टॉयज एंड फ्रूट्स फॉर एस। वे पढ़ाई में भी हमको मदद करते हैं। ही इज हेल्पिंग अस इन अवर स्टडीज। हम उसकी बात मानते हैं। वी ऑलवेज फॉलो हिज वर्ड्स। मेरी दादी जी रोज पूजा करती हैं। माई ग्रैंड मदर इज डूइंग द पूजा डेली। रोज मीन्स डेली। डेली शी इज डूइंग द पूजा। देन व्हाट एल्स शी इज डूइंग? चश्मा पहनकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है। शी इज वेयरिंग स्पेक्स एंड रीडिंग रिलीजियस बुक्स। धार्मिक पुस्तकें मीन्स रिलीजियस बुक्स लाइक रामायण महाभारत लाइक दैट। उनके बाल सफेद हैं लेकिन स्वस्थ दिखाई देती हैं। हर हेयर इज वाइट। बाल सफेद है मीन्स हर हेयर इज वाइट। शी लुक्स वेरी हेल्थी। हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। वी ऑलवेज कीप अवर हाउस क्लीन एंड नीट। हम सब मिलकर रहते हैं। वी ऑल लिव टुगेदर। हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है। माई फैमिली इज ए आइडियल फैमिली।